नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि वेडनेसडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों आज के लेवल के लिए, दोस्तों आज के ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए डेफिनेटली वीडियो को 500 लाइक तो बनता है यार। और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, अभी के अभी जस्ट क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों कल जो लेवल दिया था आप देख सकते हैं 300-400 पॉइंट का मूवमेंट दिया और स्टूडेंट लोगों ने 19,000 प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट, 60,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा दिन था कल। ऑप्शन चैनल करके जो लेवल दिया था 20,000 प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट रहा कल के दिन। इवन आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों सुबह सुबह में दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करके सब कुछ में सेंड कर दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन चैनल के एनालिसिस में क्लियरली बोला था 36,400 सी अच्छा खासा कॉल राइटर बैठे हैं, अगर उसके ऊपर निकलना चालू करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली चालू हो जाएगा और ऊपर जाएगा बोल के। उसके बाद आप देख सकते हैं एक लेवल दिया था दोस्तों, ये बोला था कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस से दोस्तों, इसको अगर ब्रेक कर, इसको अगर कहीं ना कहीं रिजेक्शन करेगा तो सेल, इसको ब्रेक कर देगा सस्टेन करेगा तो बाय। उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते क्लियरली यही सेम लेवल था, ब्रेक किया यहां पे सस्टेन किया और अच्छा खासा अपसाइड मोमेंट दिया। लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूं बहुत चौपीनेस था, कहीं ना कहीं वोलेटाइल था, लेकिन जो दोस्तों यहां पे देखिए बैंक निफ्टी था एनालिसिस करके प्योरली लाइव मार्केट में आप सब लोगों को फ्री में गाइड करता हूं, तो जाइए अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे आया तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने को भी बोला, सब कुछ मैं अपडेट कर रहा था टाइम टू टाइम, तो जाइए दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कल हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल एंड ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में बाय कब करना है, फाइनली दोस्तों अगर आप रेंज को देखो, चलिए हम रेंज को काउंट करते हैं। अब रेंज को अगर आप देखें दोस्तों यहां से मतलब पूरे के पूरे 25 नवंबर से लेकर आज हो गया 7 दिसंबर, पूरे के पूरे 7-8 दिन हो गया, आप देख सकते हैं क्लियर कट एक रेंज के अंदर घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट। तो बड़ा ही सिंपल सा रीजन है, फाइनली कहीं ना कहीं रेंज के आसपास ऊपर आके क्लोजिंग दे रहा है बैंक निफ्टी। सो सिंपल सी व्यू है, हमें बाय कब करना है, अगर 36,849 लेवल अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, डेफिनेटली आपको 101% अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा अगर 36,849 लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करता है। तो रीजन क्या है, रीजन आप क्लियर देख सकते दोस्तों, ह्यूज रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया, अच्छा खासा मार्केट गिर गया, उसके बाद आप देख सकते हैं फिर घूम फिर के मार्केट आया था, वहीं सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, अच्छा खासा मार्केट गिर गया। उसके बाद आज भी आप देख सकते हैं उसी के आसपास मतलब 5-10 पॉइंट से नीचे मार्केट अगेन गिर गया। तो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों, 1-2 दो बार ऑलरेडी और आज पकड़ लीजिए तीन बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर चुका है, अगर इसके ऊपर निकलना चालू हो जाए, अलग गैप ओपनिंग हो गए साइडवेज होके 1-2 बजे के बाद 1 बजे ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेल कब करना है, देखिए दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा व्यू है, कल के दिन दोस्तों अगर समझ लीजिए 36,500 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनाना चालू कर दिया तो डेफिनेटली छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप सेल के साइड जा सकते हैं बोलो, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है कहीं ना कहीं, मार्केट अभी थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, रीजन आपको क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस बनाया मार्केट, यहाँ पे बेस बनाया तो एग्जैक्टली ट्रिपल बॉटम बना के ही मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड क्लोजिंग दे रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 36,500 के नीचे अगर कल आना चालू करता है डेफिनेटली आप छोटे से स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हैं, लेकिन मार्केट फ्लैट है, थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक किया, यहां पे रिटेस्ट किया, यहीं सेम लेवल 36,500 जो लेवल आज मैंने दिया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया, अगेन कहीं ना कहीं यहां पे आकर दोस्तों अगर ब्रेक करता है इसके नीचे तो आप सेल कर सकते हैं। टारगेट मैंने आपको सामने बता दिया 36,294 समथिंग टारगेट रहेगा, 200-300 पॉइंट का बाइंग का मैंने आपको बता दिया लॉजिक के साथ, ठीक है। चलिए देख ले दोस्तों निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों पहली बात तो निफ्टी में बाइंग कब करना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा व्यू है दोस्तों, निफ्टी में 17,249 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 50-60 पॉइंट का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब टारगेट आपका 17,249 अगर ब्रेक किया तो 17,300 तक ही टारगेट रहेगा, इसके आसपास रहेगा। हां अगर 300 के ऊपर सस्टेन करने लग गया दोस्तों, मैं गारंटी देके बोलता हूं आराम से आपको 100-200 पॉइंट देखने को मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं क्लियरली अपसाइड अभी भी रेजिस्टेंस अवेलेबल है, आप क्लियर कट देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे कहीं ना कहीं ये जो रेड कलर का मैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बना के रखा हूं, यहां पे टच किया नीचे आया, अगेन टच किया नीचे आया, क्लियर कट आप देख सकते हैं कि यही ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके बैंक निफ्टी आ रहा है। इवन उस दिन भी आप देख सकते हैं क्लियर कट वही ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं टच किया और कहीं ना कहीं अच्छा खासा नीचे आ गया था। तो बड़ा ही सिंपल सा व्यू है, ये आज का लास्ट स्विंग है, कर अगर फ्लैट है फिर गैप ओपनिंग हो इसको ब्रेक करते हैं मोमेंटम मिलेगा, लेकिन सामने कौन है, ये जो इतना बड़ा ट्रेंड लाइन दोस्तों आप देख सकते हैं जो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो ट्रेंड लाइन अभी तक नहीं टूटा है, अगर ये ट्रेंड लाइन एक बार टूट जाएगा लाइक 17,300 के ऊपर तो क्लियर कट आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा,
मिलेगा, ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लियर कर मार्केट नीचे आया, कहीं ना कहीं एक डब्लू पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे बेस क्रिएट किया, यहाँ पे बेस क्रिएट किया, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ बेस क्रिएट किया, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉटम लगा के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फाइनल यही रेजिस्टेंस को बस तोड़ना है, सेल कब करना है। देखिए दोस्तों कल के दिन अगर थोड़ा सा गैप डाउन है फ्लैट ओपनिंग होकर 17,133 के नीचे निकलना अगर चालू कर दिया, डेफिनेटली आप सेल कर सकते हैं। सिंपल सा व्यू है दोस्तों, मार्केट ऊपर गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो ये जो लास्ट स्विंग है ये डेफिनेटली ब्रेक करने के बाद इसे लोअर लो बनाना चाहिए, तभी जाके आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको मैंने बता दिया 17,000, अगर 17,133 ब्रेक करके सस्टेन करता है तो। लेकिन कल थोड़ा सा बाइंग का आप देख सकते हैं, नहीं तो कल मार्केट साइडवेज रहेगा रहेगा, और 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। वहीं सेम व्यू में आपको बार बार बोल रहा हूं, कल अगर गैप अप ओपनिंग हो गया दोस्तों और 10 से लेकर 12 एक बजे तक अगर इसे साइडवेज रहा और फिर जाके अगर ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं 36,849। आपको पता है रीजन कहीं ना कहीं अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सो होप्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, आज का लेवल कैसा लगा लाइक कर लीजिए, ऑप्शन एनालिसिस आपको हेल्प करता है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।